सो हे वेलकम बैक टू चैनल गाइस एंड आल्सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस आज फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी गाड़ी के बारे में, टाटा टियागो। ओके तो एंड फुल एक ऑनरशिप रिव्यू मैं आपको दूंगा, ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू, मतलब आपको बताऊंगा सब कुछ, सच्चाई आपके सामने रखूंगा सब कुछ। हमारे पास जो गाड़ी है वो है टाटा टियागो एग्जेड प्लस वेरियंट इन पेट्रोल एंड 2019 वाला ये मॉडल है। ओके तो आपको सारे पहले मैं क्विक वॉक अराउंड दूंगा, ओके क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं, ओके एंड उसके बाद हम इसकी मतलब जो इसमें बुराइयां हैं, जो इसमें कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड दोनों देखेंगे। ओके गाइस तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी तो मैं सब कुछ अच्छा अच्छा बोलूँगा, ऐसा नहीं है। जो मुझे इसमें कमियाँ लगती हैं वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। सो बिना किसी देरी की आज वाली वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो गाइस। फ्रंट से आपको गाड़ी की कुछ लुक ऐसी मिलती है जो ही काफ़ी सुंदर लगती है। यहाँ पर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर सिंपल हैलोजन लाइट्स विद क्रोम फिनिश एंड पूरा ब्लैक स्मोक किया हुआ है हेडलैम्प को। एंड यहाँ पर इसमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको एंड ये पियानो ब्लैक ग्रिल विद बड़ा सा टाटा का लोगो। ओके एंड ऐसा कुछ आपको इसमें पैटर्न मिल जाता है। ओके एंड अगर हम फॉग लैंप की बात करें तो आपको यहाँ पर हैलोजन फॉग लैंप मिल जाते हैं विद क्रोम रिंग फिनिश दी गई है जो काफ़ी सुंदर लगती है। ओके एंड अगर हम साइड की बात करें तो आपको साइड मिरर्स में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड ये गाड़ी जब लॉक होगी या अनलॉक होगी तो ये अपने आप ऑटो अनफोल्ड या फोल्ड हो जाएंगे मिरर। एंड अगर हम टायर्स की बात करें तो आपको इसमें मिलते हैं 175/60 R15 15 इंचेस गाइस इसमें आपको मिल जाते हैं ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। हमने अभी तक नहीं चेंज कराया, हमें काफ़ी सुंदर लगते हैं ये अलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी एंड साइड स्किट्स जो कि काफ़ी सुंदर लगती हैं अगेन। एंड पीछे आपको मैं दिखाऊँ तो ये है रियर टेल लाइट इंडिकेटर्स रिवर्स के जब आप करोगे तो लाइट चलेगी यहाँ पर एंड ये कुछ ऐसी टेल लैंप। यहाँ पर एग्जेट प्लस की बैजिंग टाटा का अगेन लोगो जो काफ़ी सुंदर लगता है एंड ये की इंसर्ट करने के लिए, डिक्की को खोलने के लिए। सो गाइस यहाँ पर ना कोई बटन वगैरह नहीं है जैसे कि स्विफ्ट वगैरह में आ जाता है ना, यहाँ पर आप ऐसे प्रेस करो तो खुल जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर की इंसर्ट करनी पड़ेगी या अंदर से खोलना पड़ेगा ड्राइवर साइड की तरफ से। ओके एंड क्या होगी बैजिंग, तो ये फोर पार्किंग सेंसर के साथ आती है। 2019 में इसमें कैमरा नहीं आता था टॉप मॉडल में भी, बट अब आने लगा है। ओके एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है रियर वाइपर विद डिफॉगर जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड ये स्टॉप लैम्प एंड ये इंटीग्रेटेड स्पॉयलर के साथ आती है जो कि यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी सुंदर लगता है ये भी। ओके तो यहाँ पर हमने गुरु कृपा भी लिखवा रखा है। तो ये हम देखते हैं ड्राइवर साइड का डोर। सो गाइस ड्राइवर साइड की डोर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर आता है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। ओके एंड ड्राइवर साइड की डोर की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं बाहर के, पावर विंडोज़ के ऑप्शन एंड ये क्रोम मिल जाता है यहाँ आपको सारा आपको एंड ये पियानो ब्लैक फिनिश एंड ये गाड़ी फोर स्पीकर्स एंड फोर ट्विटर के साथ आती है हार्मन का जो कि काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। अगर हम अंदर बैठे तो आपको मैं दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग मिलता है इसमें गाइज, बीच में टाटा का लोगो एंड यहाँ पर अगेन पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश। ओके तो ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ आता है। यहाँ पर पूरा आपको हेडलैम्प्स के इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स एंड आपको कुछ ऐसी आपको इसमें स्पीडोमीटर एंड आरपीएम मीटर मिल जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो। ओके सो गाइज अगर आपको मैं बताऊंगा इसमें कितने मोड्स हैं, इसमें दो मोड्स हैं, एक है सिटी एंड एक है ईको। ओके ईको में क्या होता है, बेसिकली ईको में आपकी इंजन की पिकअप कम हो जाती है एंड आपको माइलेज और ज़्यादा मिलती है एंड ये बेसिकली हाईवे पर यूज़ करने के लिए होता है जो कि काफ़ी अच्छी माइलेज दे देता है। ओके
यहाँ पर इको आप इनेबल कर सकते हो, ओके। एंड ये फॉग लैम्प का ऑप्शन ऑन करने के लिए। एंड यहाँ पर अगेन पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश। एंड ये है इसमें 7 इंचज का है शायद टच स्क्रीन, ओके। हारमन के इसमें म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स, ओके। यहाँ पर क्रोम आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश। एंड ये ऑटो क्लाइमेट एसी के साथ आती है गाड़ी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इस प्राइस रेंज में आपको ऑटो क्लाइमेट एसी मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश एंड यहाँ पर क्रोम फिनिश। एंड यहाँ पर थोड़ी सी काफ़ी आपको स्पेसिंग मिल जाती है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। एंड ये 12 वॉट का पावर सॉकेट एंड यहाँ पर USB लगाने के लिए ऑप्शन, ऑक्स लगाने के लिए ऑप्शन। एंड ये है मैनुअल कार, तो इसमें आपको कुछ ऐसे 5 गियर्स मिल जाते हैं एंड एक रिवर्स। यहाँ पर अगेन गाइस पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम, यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि यार हम देखते हैं यहाँ छोटी छोटी चीज़ों में कंपनी ने पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है, बट काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी इन छोटी छोटी चीज़ों में, ओके। तो काफ़ी लुक निखर कर आता है। एंड यहाँ पर हैंड ब्रेक के टिप पर भी क्रोम टिप दी गई है। एंड आपको यहाँ पर मिल जाता है कप होल्डर, 2 कप होल्डर, ओके। यहाँ पर अगेन स्पेसिंग, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर एंड ड्राइवर साइड भी स्पेसिंग मिल जाती है, ओके। एंड ये मैनुअल मिरर, एंड इसमें मैं अभी दिख रहा हूँ, हेलो। वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस, ये आपको ड्राइवर साइड की तरफ कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। सो गाइस, आपको ड्राइवर साइड की तरफ कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर माइक्रोफोन, अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है तो आप सिंपली से यहाँ से कॉल उठाइए एंड बातचीत करें। एंड ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको, ओके। एंड आपको मिलता है कूल्ड ग्लव बॉक्स इस गाड़ी में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एंड ये देखो इसकी ओपनिंग देखो, एकदम स्मूथली हो रहा है, ओके। एंड आपको ऊपर भी थोड़ी बहुत स्पेसिंग मिल जाएगी एंड नीचे भी, एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स है ये गाइस। एंड सो गाइस, अगर हम रियर साइड की बात करें तो रियर साइड की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पर एक पावर विंडो का ऑप्शन अप डाउन करने के लिए, ओके। एंड रियर में आपको ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर मिलती है एंड स्पीकर्स की यहाँ पर। एंड फ्रंट में भी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर मिलती है प्लेसमेंट स्पीकर्स एंड ट्विटर्स की। तो फ्रंट पर आपको स्पीकर्स की यहाँ पर प्लेसमेंट मिलती है एंड ट्विटर्स की यहाँ पर। एंड म्यूजिक सिस्टम इसका ना काफ़ी बढ़िया है, आपको मैं सुनाऊंगा, वो भी हमने अभी तक नहीं चेंज कराया क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लगा यार सिस्टम, ओके। एंड आपको यहाँ पर कोई भी रियर एसी वेंट नहीं आएगा। एंड यहाँ पर थोड़ा बॉटल होल्डर स्पेस है। एंड टॉप मॉडल में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है एंड कुछ ऐसा है, अभी गंद वगैरह दिलाओ प्लीज़ उसके लिए, सॉरी गाइज, ओके। मिट्टी वगैरह हो रही है अभी गाड़ी में। तो रियर आपको कुछ ऐसी सीटिंग मिल जाती है, हमने इस पर चढ़ा रखे हैं ब्लैक कलर की सीट कवर्स, ओके। अभी हम देखते हैं रियर बूट कितनी उसमें स्पेस आती है, ओके। एंड अगर हम बूट खोलते हैं तो ये देखिए गाइस, इसमें पार्सल ट्रे आ जाती है टॉप मॉडल में, ओके। सो गाइस, अगर हम नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ पर MRF का स्पेयर टायर मिला है, जो कि है 175/65R14, ओके। तो ऐसा आपको हमें कुछ स्टेप नहीं मिली है इसमें। तो अभी हम डिक्की को भी बंद कर देते हैं। गाइज, एक मैंने आपको और चीज़ बतानी थी, जो यहाँ पर की इंसर्ट करने वाला है ना, ये देखो यहाँ पर हल्की हल्की लाइटिंग आपको दिख रही होगी, रात में एकदम वाइट सी लाइट आपको दिखती है अच्छे से, ओके। तो ये मुझे काफ़ी कूल लगा है, यहाँ पर ना लाइटिंग चलती है हल्की हल्की सी, ओके। एंड कुछ ऐसी आपको की मिल जाती है इसमें, फ्लिप की आती है, इसके ऊपर हमने कवर भी चढ़ा रखा है सुरक्षा के लिए, ओके। एक लॉक का ऑप्शन मिलता है, एक अनलॉक का एंड एक फॉलो मी हेडलैम्प्स, अगर आपको इसको ऑन करोगे तो आपके हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे, ओके। तो अभी फिलहाल इसको इंसर्ट कर देते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको हर एक चीज़ दिखा दी है गाड़ी के बारे में, ओके। तो अभी हम इसकी मेन चीज़ की बात करते हैं गाइज, अभी हम बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, कैसा रहा अभी हमारा एक्सपीरियंस टाटा टियागो के बारे में, ओके। सो गाइज, गाड़ी एक नंबर है, जिस प्राइस रेंज में आती है ये, आई थिंक सो डैट कोई इसको गाड़ी बीट कर पाएगी, बिकॉज सो गाइज, इसमें आपको हर एक अच्छा अच्छा फीचर मिलता है। आपको इसमें स्टॉक जो म्यूजिक सिस्टम है वो एकदम जबरदस्त वाला मिल जाता है, ओके। एंड एकदम बहुत ही बढ़िया हारमन का आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है,
ओके, चार स्पीकर एंड चार ट्विटर के साथ टॉप मॉडल में। एंड जब हमने ये ली थी 2019 में, अराउंड हमने 640 या 650 में ली थी ये, 6,40,000 या 6,50,000 में। ओके, तो बहुत बढ़िया गाड़ी है उस हिसाब से, इतनी प्राइस रेंज के हिसाब से आपको इतनी जबरदस्त लुक मिलती है। ओके, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, एकदम अच्छे से सारी गाड़ी मतलब एकदम स्मूथ है। एंड इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सो गाइस इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ना एक नंबर है। अगर हम इसकी सस्पेंशन की बात करें बहुत बढ़िया है, ओके गुड टू गो है कार। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा स्टीयरिंग व्हील इसका, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, एंड गियर जो शिफ्टिंग है वो एकदम स्मूथ है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम अच्छी है, ठीक है। मतलब हमारी ये गाइस पहली गाड़ी है, ओके हमने इससे पहले हमारे पास ना कोई गाड़ी थी या ना ही कोई सेकंड हैंड गाड़ी थी ना कोई गाड़ी थी, तो ये काफ़ी बढ़िया हमें डील लगी उस टाइम पर, तो हमने ये परचेज कर लिया एंड अच्छा लगा हमें ये परचेज कर। ओके, तो काफ़ी लोग पूछते हैं करे भाई हम टियागो के लिए गए तो हम स्विफ्ट के लिए क्यों नहीं गए, स्विफ्ट का VXI वेरिएंट आ जाता है एंड वो गाड़ी भी बहुत बिक रही है ना, और काफ़ी उसकी अच्छी लुक्स है। ओके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने वो गाड़ी क्यों नहीं ली। ओके, या फिर मैंने वो वीडियो पहले अपलोड कर दी होगी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है उस वीडियो का लिंक तो वो आने वाली है वीडियो। ओके, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँ या और भी बहुत अच्छी अच्छी गाइस वीडियो आने वाली है तो जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है।